Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Uttar Pradesh Police Vyavastha Chust Durust Karte Hue, Mukhya Mantri Yogi Adityanath Ne Aaj Meerut Samet Pradesh Ke Anya Jilon Mein 143 Nirman Karyo Ka Lokarpan Va Shilanyas Karte Hue थानों व साइबर सेल का शुभारंभ कर दिया। योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में प्रदेश सरकार ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए यूपी पुलिस को अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर थानों का शुभारंभ हो चुका है, जबकि इनमें से 18 को हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। योगी ने आज यह लोकार्पण शिलान्यास वर्चुअल किया। यहाँ मेरठ के गंगानगर थाने में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, जिलाधिकारी दीपक मीणा व एसएसपी रोहित सजवाण ने भाग लिया। देखिए कि यह आज की आवश्यकता। देखिए, अगर थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले महत्व देना होगा। डायलॉग जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने की बात कही, अगर आप संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। जमींदारों के विरोध शुरू हुआ, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने फोर लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है, आज वहां पे जो लोग और पहले विरोध करते आप कहते साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते हैं, और भी लैंड हम देना चाहते, तो विकास का अच्छा दिख रहा है। विश्वास तो विश्वास है, इस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और जिसमें प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, उसको जमीनी धरातल पर उतारा है। आज परिणाम हमारे सामने अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में समान मिट्टी का बढ़ता है। इस मौके पर रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। प्रशासनिक भवन का इसमें आज लोकार्पण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसमें पहले ये जो पहले चौकी के तौर पर सड़क के किनारे चलती थी, बहुत ही वहाँ पे अव्यवस्था रहती थी, और वहाँ पे वाहनों की एक जमावड़ा वहाँ पे रहता था, और लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता था, जो बेचना वगैरह करते थे उनमें भी समस्या आती थी, और बहुत कम स्पेस होने के नाते वहाँ पर पब्लिक को भी और पुलिस को भी दोनों की समस्या आती थी। इसमें जो नया भवन का यहाँ निर्माण हुआ है, बेचक जो है वो अपना कार्य यहाँ पे संभाल जा सकते हैं, और इससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा हुई है, और जो जमावड़ा या जाम की समस्या थी वो भी उसका भी निदान। वहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा, पूरे प्रदेश के लिए ही हाथ ये बड़ी सौगात है, और एक जो नियमित रूप से 2017 के बाद से पुलिस को एफिशिएंट बनाना, पुलिस को जो है सुविधाएं प्रदान करना, पुलिस की जो कार्यबल है उसका विस्तार करना जो निरंतर चल रहा था, उसके क्रम में ही आज ये कार्यक्रम हुआ है ये। और मैं समझता हूँ कि देखिए, अपेक्षाएं तो पुलिस से बहुत अधिक रहती हैं, परंतु ये सही बात है कि उनके आवास ठीक नहीं थे, संख्या उनकी पर्याप्त नहीं थी, उनको आधुनिक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, इस कारण से भी पुलिसिंग का जो काम है कुल मिला करके वो बेहतर नहीं हो पाता था। साइबर क्राइम निरंतर नए नए आयाम पकड़ रहा है, लेकिन साइबर के थाने नहीं थे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये शुरू तो हुई थी 2017 के बाद से ही, और तो आज उस क्रम के अंदर जो अवस्थापनाओं का निर्माण हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन है, गृह विभाग का बहुत अभिनंदन है, और प्रदेश के नागरिकों को, मेरठ के नागरिकों को बहुत बधाई है। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अपराधों के नियंत्रण करने में अब पुलिस और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।